दिल्ली के देवली गांव में तुकाराम परिवार द्वारा स्वर्गीय टेकचंद का दशोरी काज किया गया। ये हजारों सालों से हमारी परंपराएं चली आ रही है। हम अपने बड़े बुजुर्गों की याद में दशोरी कारज यज्ञ का आयोजन करते हैं और पूरे देश भर से लोगों को बुलाते हैं, सभी खापों के तपों के प्रधानों को और गांव वालों को बुलाकर हम लोग भोज करते हैं और रसम पगड़ी की एक प्रक्रिया करते हैं, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व देश के अन्य राज्यों से जाट समुदाय के लोग व अन्य समाज के लोग शामिल हुए। बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, इसके माध्यम से बच्चों को भी उसका ज्ञान मिलता है। ये एक बहुत ही समृद्ध परिवार है जो कि कम्युनिटी के लिए और देश के लिए एंड स्पेशली गौशालाओं के लिए बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। इस कार्यक्रम में रैली निकाली गई, मूर्ति स्थापना की गई और फिर पगड़ी की रस्म और खाप पंचायतों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। हमारे चाचा जी हमें बहुत प्यार करते थे जी, इसलिए हमने दोनों भाइयों ने मिलके उनका ये काज पूरे तुकाराम फैमिली ने मिलके किया। पूरे गांव का योगदान रहा जी इसमें काम करने में और 360 खाप का योगदान रहा जी, पूरे सबको इकट्ठा करने का, सबको बुलाने का और सारा काम जो आप देख रहे हैं सारा काम गांव ने देखा जी, देवली गांव ने जी। 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी अन्य राज्यों से आए खाप पंचायतों के प्रधानों के साथ मिलकर स्वर्गीय टेकचंद के पौत्र को पगड़ी बांधकर परिवार व समाज की जिम्मेदारी सौंपी। सभी ने अच्छी तरह मिलकर अपना पूर्ण तरह योगदान दिया है और जो सारे गांव ने अच्छी तरह से मिलकर इसमें अपना पूर्ण सहयोग दिया है। चौधरी टेकचंद जी का आज दशोरी काज है, जो चौधरी तुकाराम के वंशज हैं और इस परिवार की बहुत महान परंपरा रही है। इस परिवार के लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत देश सेवा की है। आज भी पूरे समाज को जोड़ के रखना, पूरे जाट समाज को 360 गांव दिल्ली के और इसके अलावा भी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि से भी लोग यहाँ पर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द डेली टुडे न्यूज़।